नमस्कार, जिम्सी आजकल पे मैं हूँ राजुल। इंडिया की पहली क्रिएचर कॉमेडी भेड़िया इस नवंबर रिलीज होने वाली है। डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक एंड प्रोड्यूस बाय दिनेश विजान। ये विजान जी की हॉरर कॉमेडी फिल्म्स में से तीसरी मूवी है। इस जॉनर में इनकी पहली दो फिल्में स्त्री और रूही आ चुकी हैं और भेड़िया फिल्म के बाद मुंजा भी लाइंड अप है, जो कि स्त्री की प्रीक्वल है, यानी स्त्री के पहले की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉनर पर काम कर रहे हैं दिनेश जी, हॉरर कॉमेडी। उन्होंने इस बात पर गौर किया है कि वैसे भी जब बॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द हॉरर फिल्म्स में लोग बैठते हैं तो वह हंसते हुए पाए जाते हैं, तो क्यों ना हम हॉरर के जरिए ही लोगों को हंसा दें। कम से कम लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि हम डरने का सोच के आए थे तो हंस क्यों रहे हैं। इनकी सारी हॉरर कॉमेडीज में से स्त्री इनकी बेस्ट वर्क रही है, बोथ फ्रॉम आर्टिस्टिक एंड सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। रूही को मेंशन ना ही करें तो बेहतर होगा, मगर वरुण धवन और कृति सानन स्टारर भेड़िया काफ़ी उम्मीद जगा रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ VFX, जैसा कि ट्रेलर में हम देख चुके हैं। अगर वरुण धवन की एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग राजकुमार राव को मैच कर गई तो शायद ये हिट हो जाए, और शायद सुपर हिट भी, क्योंकि लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी डर तक पहुंचने में अभी देर लगेगी। हालांकि फिल्म मेकर ज़रूर डरे हुए हैं पब्लिक हॉरर से, मेरा मतलब है कि पब्लिक बॉयकॉट से। सो देखते हैं भेड़िया क्या रंग लगता है। बेस्ट ऑफ लक टू भेड़िया।